क्वेश्चन नंबर फोर जो है, क्वेश्चन नंबर फोर यह आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं आपको हिंट्स यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पीएक्स, पीएक्स इक्वल टू है एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव। ये आपको पीएक्स का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू है, ये आपको पीएक्स का वैल्यू दिया हुआ है एंड है टू जीरो टू प्लस माइनस रूट थ्री, इट मीन्स अल्फा इक्वल टू, यानी कि एक्स का एक वैल्यू दैट इज एक्स इक्वल टू एक दिया है टू प्लस रूट थ्री और एक दिया है एक्स इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, समझेंगे आप लोग यहाँ पे। तो देखिए हिंट्स क्या, मैं इसको सभी कर दे रहा हूँ, तो ये आपको हो जाएगा एक्स माइनस टू यानी कि सबको इधर ले प्लस रूट अंडर थ्री इक्वल टू जीरो, इसमें हो जाएगा एक्स माइनस ये आपको हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, यानी आपको ये दिख रहा है एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, क्लियर है। डेट इज नेम नाउ एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, यह क्या हो जाएगा आपको पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। जब पी एक्स का फैक्टर हो गया तो इसके बाद हम क्या देखे हैं, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि इसको आप लिख सकते हैं डेट इज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का, चूंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बना है ए माइनस बी ए प्लस बी यानी इक्वल टू कितना हो गया, ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी माइनस थ्री हो गया। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स आई हो जाएगा आपको प्लस वन, यह इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब इसको क्या कर जाएगा, इससे पी एक्स को डिवाइड करेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। इसको डिवाइड करने के बाद आप क्या देखेंगे, यह बहुत ईजी है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सब किया है पहले, सब कुछ बताया हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स टू पावर है तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू पावर फोर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस यानी एक्स क्यू हो जाएगा यानी कितना फोर एक्स क्यू हो गया, फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाता है कैंसिल हो गया, यह हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यू, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह है तो माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस टू एक्स क्यू, देखिए आप माइनस टू एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस टू हो जाए एट एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस टू एक्स, इसको रिसॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइव थ्री यानी कि माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको माइनस प्लस 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 ये हो जाएगा वन फोर थ्री एक्स माइनस थर्टी फाइव। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस वन से सॉरी माइनस वन से नहीं माइनस थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा वन फोर्टी एक्स हो जाएगा फोर
35 हो जाए 140, और फिर प्लस माइनस माइनस 35 हो गया, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था पहले से माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, एक कैंसिल 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 यानी जीरो। तो आपको क्या दिखा है, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू, आपको पी एक्स का वैल्यू क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इनटू परसेंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 प्लस जीरो। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन का जीरो तो पहले से मालूम है, आपको आया था माइनस टू एक्स माइनस 35। अब ये जो है इसको आप ब्रेक कीजिए, इसको फैक्टराइज करके इससे आप एक्स का वैल्यू निकालिए। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35 इक्वल टू जीरो, इसको पुट करेंगे जीरो फाइंड करना इसलिए, अब इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 35 इक्वल टू जीरो, सेवन फाइव जा 35 होगा, इसका फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, बीच वाले को ऐसा दो पार्ट में तोड़ते हैं, मिडिल वाला टर्म को इस तरह से दो पार्ट में ऐड ब्रेक करते हैं, ताकि ऐड या सेपरेट करने पर या आपको मिडिल वाला वैल्यू भी इक्वल आएगा, यानी कि माइनस टू एक्स आएगा, बट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 7x और 5x, 7 5 35 हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस में है, यानी कि बड़ा वाला नंबर के पहले माइनस और छोटा के पहले प्लस, सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 आ जाएगा, ये वैल्यू हो गया, सो सब करने कितना आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट पर इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले और दो फर्स्ट वाले को लेंगे एक साथ और दो लास्ट वाले को एक साथ लेंगे, इसमें से एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 7 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स माइनस 7 फिर यहाँ पर हो गया एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 7, अब इसको बारी बारी से चूंकि जीरो फैक्ट करना है तो इसको हम बारी बारी से दोनों को जीरो के इक्वल पुट करना है, चूंकि ए वाला फैक्टर हो गया इसको इधर रखेंगे तो ए वाला उधर जाके जीरो हो जाएगा, इसको रखेंगे तो ए वाला उधर जाके जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये आपको क्या है एक्स इक्वल टू 7 और एक्स इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर माइनस 5 एंड 7 आर रिक्वायर्ड टू रिमेनिंग जीरोस ऑफ एक्स, या पी एक्स का दो बाकी जो जीरोस था या आपको फाइंड हो गया, इस तरह से आप आगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन है जो आपको अगले वीडियो में, नहीं अभी ही भेजता हूँ इसको।